अपन जानता था पानी पिलाने वाला कोहे नूर निकलेगा, हीरा निकलेगा, कोहे नूर बेस्ट 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 मोहम्मद मोहम्मद शमी। आज हमारे ट्रायो ने, तीनों ट्रायो ने हमारा तिगना लगान वसूल किया है। शहर में पहले आपके चक्कर में अंग्रेजों की गाड़ी छूट गई। पहले लगान हम देते थे, अब लेते हैं। बोलर्स हु मेक यू विन द मैचेस एंड द टूर्नामेंट, बैट्समैन है बट इट विल बी द बोलर्स हु इज गोइंग टू मेक यू विन द टूर्नामेंट। इंडिया की स्पिन के सामने सब एकदम इकाना में सुबह बड़ी बातें चल रही थी कि लगान वसूल किया जाएगा, बराबर हो गया, पूरा अच्छे से वसूल कर लिया। शिखर ने फोटो डाली थी और अब टीम इंडिया ने मतलब कमाल कर दिया, स्पेशली बॉलर्स। बुमराह ने क्या शुरुआत दी, मतलब आज प्रूव कर दिया कि बॉलर्स ही मैच जिताते हैं। प्लस लगान वसूल लिया, आज क्या पैसा वसूल मैच हो गया। मतलब आई जस्ट वांटेड कि वन साइडेड मैच ना हो, वन साइडेड रहा बट कम्प्लीटली टर्न हो गया एंड इंडिया वन द मैच सो कम्फर्टेबली, और एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल, एकदम पैसा वसूल मैच। नो डाउट दैट इंडिया इज विनिंग द टूर्नामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द बॉलर्स, लाइक जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके पेसर्स और स्पिनर्स, लाइक इंडिया के आई गेस बुमराह हैज द हाईएस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट एंड ही हैज द बेस्ट इकोनॉमी, सो इट्स लाइक मार्वेलस लाइक द वे द बॉलर्स आर परफॉर्मिंग। या बॉलर्स अचीव एवरीथिंग, या डेफिनेटली आई एग्री। I think I'm a batsman, but yeah, like Rohit played well. I just wanted Kohli to score 100, but no. ठीक है भाई, रोहित ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन शमी और बुमराह अल्लाह की मेडर। I agree. It was a team's effort. एक बार पहली विकेट गिरी उसके बाद धड़ाधड़ मतलब एनर्जी ही स्टेडियम की चेंज हो गई एकदम completely. India is the best and Bumrah is the best. अच्छा, और शमी? शमी is also the best, but Bumrah is top one. अरे बहुत बातें चलती थी ना कि पाकिस्तान के तीन ट्रायो दिखाए जाते थे हम लोगों को, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। अब बताइए इंडिया का ट्रायो, आई मीन इट्स ऑब्वियसली लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन एज वेल। बात यह है कि अभी सिराज ने उस तरह से क्लिक नहीं करा है जिस तरह से बाकी दो ने किया, तो लाइक आर बॉलिंग कैन स्टिल इम्प्रूव लाइक अ लॉट। वी आर स्टिल द बेस्ट बॉलिंग साइड इन द लाइक वर्ल्ड कप, बट स्टिल बेस्ट बॉलिंग साइड है, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हमारे सिराज टू क्लिक अ लिटिल। आज हमारे ट्रायो ने, तीनों ट्रायो ने हमारा तिगना लगान वसूल किया है। हार्दिक की इंजरी, नवाबों के शहर में पहले आपके चक्कर में अंग्रेजों की गाड़ी छूट गई। ऑल्सो हार्दिक की इंजरी हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज वो इंजरी होता तो शामी नहीं आता। आई थिंक शामी विल टेक बुमराह प्लेस अगर हार्दिक वापस आता है, बिकॉज ही इज बॉलिंग रियली वेल। यही मैं सोच रही थी कि मतलब हार्दिक की इंजरी का फायदा ही हो गया है कि शमी आ गए हैं और शमी जिस लय में आए हैं। मैम पहले लगान हम देते थे, अब लेते हैं। मैम मोस्ट स्किलफुल बॉलर ऑफ इंडिया एट दिस टाइम ऑफ टाइम शामी, ऑब्वियसली अलग है, वो हिलती नहीं है उसकी रिस्ट से बॉल, इट्स जस्ट स्ट्रेट। जो सी मूवमेंट करते हैं ना वो इंडिया में मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बॉलर होगा जो ऐसी बॉलिंग कर सकते हैं शामी जैसे। जसप्रीत बुमराह, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इवन 2011 वर्ल्ड कप वी वन जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलर्स, जहीर खान्स कंट्रीब्यूशन, युवराज सिंह कंट्रीब्यूशन एज अ बॉलर कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट वी वन। इट्स ओनली द बॉलर्स हु मेक यू विन द वर्ल्ड कप मैचेस, इट्स ओनली द बॉलर्स हु मेक यू विन द मैचेस एंड द टूर्नामेंट। बैट्समैन है बट इट विल बी द बॉलर्स हु इज गोइंग टू मेक यू विन द टूर्नामेंट, दैट्स द एक्चुअली पार्ट। एंड शमी हैज डन इट अगेन एंड शमी रिक्वायर्स टू बी इन द प्लेइंग 11 टिल द टाइम वी रीच द फाइनल्स। इंडिया साउथ अफ्रीका की बड़ी बातें हो रही है कि भाई साउथ अफ्रीका अलग ही फ्लो में चल रही है, चेस भी कर लिया, वो भी हमसे हारेंगे, जब हमसे भिड़ेंगे ना वो भी ऐसे 250-200 पे लिपटेंगे। अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। साउथ अफ्रीका को चेस करवाइए, वो कभी नहीं कर सकते, 250 रन भी नहीं कर सकते इंडिया के बॉलिंग के खिलाफ, दैट इज फॉर श्योर। साउथ अफ्रीका चोकर से, और वो कभी भी क्रंच मैच में हमेशा हारते हैं। इंडिया पूरे 9 के 9 में जीतेगी साउथ अफ्रीका, और बाकी जितने बचे मैचेस हैं उनको सबको हराएगी। इस बार भारत जो वर्ल्ड कप भी भारत ही जीतेगी, बहुत अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका बुमराह की स्पीड नहीं मैच कर सकती। यस यस पक्का 100%। आई थिंक साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी हाई टोटल पुट अप कर रही है, तो इंडिया की ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले हाँ चेज ना करे, चेज साउथ अफ्रीका को कराए, क्योंकि चेज करने में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कर लिया ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, खड़े रहे, निकाल दिया। मैं पर पाकिस्तान और इंडिया की स्पिन अटैक में बहुत डिफरेंस है। आप देखिए कुलदीप यादव ने आज जैसे बटलर को बोल्ड किया ना, वो इतना ज़्यादा टर्न था,
तो मुझे नहीं लगता इंडिया जैसे स्पिन अटैक किसी पे है, तो मिडिल ओवर्स में इंडिया वहीं पे इंडिया मैच जीतता है जहां मिडिल ओवर्स में जब इंडियन स्पिनर्स दिखाता है। साउथ अफ्रीका का ना चेज में जब उनको चेज करने की बारी आती है तब उनकी बैटिंग करती है चोक हमेशा से, चाहे उनके बहुत बढ़िया बैट्समैन रहे एवी डिविलियर्स साहब चाहे जो रहे हो, और ये सब तो क्या ही कर पाएंगे क्लासन वगैरह इंडिया के स्पिन के सामने सब एकदम अच्छी टीम है ऐसे हल्के में ले रहे हो एडन को। हमको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए, हमको कप चाहिए, कॉम्पिटिशन बहुत झेल चुके 10 साल हो गया, इस बार कप एक तरफा मैच एक तरफा वर्ल्ड कप सब कुछ हमारा है। सुबह देखिए ऐसे किसी टीम से चिंता नहीं है, इंडिया ने 11-0 से वर्ल्ड कप जीतना है, 9 के 9 मैच जीतेगी दोनों लीग मैच, और अभी का समय है कि सुबह नारा चला था कि टुंडे कबाब खाएंगे इंग्लैंड को हराएंगे, तो अब हरा दिया और हम टुंडे कबाब खाने जा रहे हैं। जय हिंद। देखिए इस टीम की खास बात यह है कि ये टीम एक किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, सारे के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और यही इस टीम को खास बनाती है। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक आध मैच ही लोग हार भी जाएं जिससे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे। साउथ अफ्रीका से 2011 की तरह हारे और फिर वर्ल्ड कप जीते हैं इस बार दोबारा से, जैसे 2011 में हारे थे साउथ अफ्रीका से फिर वर्ल्ड कप जीता था, इस बार भी हारे हैं कोलकाता में और फिर जीते एक बार फाइनल। साउथ अफ्रीका से हरा रहे हैं बिल्कुल मैम, साउथ अफ्रीका से हारे थे 2011 में हारे थे, तो सेम पैटर्न अभी भी वही चल रहा है और 2011 में भी हारे थे अभी भी हारे हैं और फिर फाइनल जीते हैं जाकर 19 तारीख को। सुश्री मैम बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमारे लखनऊ में वर्ल्ड कप हुआ और हम जीत के आ रहे हैं, पैसा वसूल मैच था और सबसे बड़ी बात है कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब स्टार्टिंग में बहुत होपलेस हो गए थे जब हम टॉस हार गए थे तो लग रहा था कहीं ना कहीं कई बार हो जाता है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करने लगती है तो पीछे हो जाती है, बट उन चीज़ों से बाहर निकल के ओवरऑल हम जीत गए। बोलर्स ने बढ़िया किया, बोलर्स ने अच्छा किया, यस मैम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सीलेंट। कोहली जल्दी आउट हो गया था तो थोड़ा सा डर लग रहा था, उसको बैटिंग थोड़ा टाइम तक देखना चाह रहे थे, बट ठीक है ओवरऑल हम जीत गए। बताइए इंडियन बोलर्स कमाल की लहर कर दिया, दिल का टूटा हुआ लड़का सिर्फ मैदान, मतलब ये दिल का टूटा हुआ लड़का सिर्फ एक मौके का इंतजार करता है, प्रतिभाएं बेंच नहीं मैदान ढूंढती है, मोहम्मद शमी इज ग्रेट। बहुत बहुत बढ़िया खेला इंडियन बॉलर्स ने आज, मजा कर दिया। इस बार हाईलाइट यही है कि इस बार बैटिंग नहीं बॉलिंग हाईलाइट पे है और बॉलिंग ने पूरी तरीके से दूसरी टीमों को कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं और ये वर्ल्ड कप हमारा है। बहुत अच्छा खेले शमी भाई ने दिखा दिया कि क्रिकेट कैसी खेली जाती है, और जो कि इंडिया की हमेशा से बॉलिंग हमारा वीक पॉइंट हुआ करता था तो ये आज पता चल गया कि आज वीक पॉइंट हमारा जो था वो आज इससे मजबूत पॉइंट हो चुका है। इंडिया ने दिखा दिया कि हमारे पास सबसे वर्ल्ड की नंबर एक टीम बॉलिंग है, जो कि हम आपको सबको आज देख मजा आया है। अभी तक जब भी वर्ल्ड कप होता है तो इंडिया की बैटिंग में फोकस रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो इस बार वर्ल्ड कप घर लेके आएगी ऑब्वियसली। आज का मैच तो था ही गजब का, बॉलर्स ने कमाल किया। मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका को भी हम लोग चेज करते हुए हराएंगे, पूरा डोमिनेशन दिखाना है, हम वर्ल्ड चैंपियन ऐसे ही। चेज आपको इसलिए करवाना है क्योंकि आपको विराट की सेंचुरी देखनी है, बिल्कुल 49 सेंचुरी ऑफ विराट एंड एक्चुअली इट इज द बेस्ट स्क्वाड दैट वी हैव and for this world cup and we are the world cup winning team so we are going to win this today bang bang bumrah india madam kaun janta tha ki matlab kaun janta ye nara hai world cup hamara hai kaun janta tha pani pilane wala kohinoor niklega heera niklega kohinoor ya best mohammad ki baat kar mohammad shami to woh khiladiyon ko pani pilata tha ma'am ये प्रूव भी कर दिया अपने आप को आगे के मैचों में मुश्किल होगा क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी को टीम खिला नहीं रही थी क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तब वो आए, लेकिन बॉलिंग करके उन्होंने दिखाया है कि वो सुपर बॉलर है, वो इकलौते बॉलर है जिन्होंने 5 विकेट के 2 हॉल लिए हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और दार है रहने के लिए शमी मोहम्मद शमी उनको एकदम रखना ही पड़ेगा। आप हार्दिक पांड्या अगर फिट भी हो जाए तो भी उनको आप बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी सबसे अपने करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्ल्ड कप में, 2 मैच में 9 विकेट ये काफी इम्पॉसिबल सा फिगर है मोहम्मद शमी के लिए। वी आर रियली चीयर्स फॉर हिम, वी आर रियली हैप्पी फॉर मोहम्मद शमी।
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जीते हैं, दोनों में जीते हैं। पर्सनल में भी जीते दिखाया, प्रोफेशनल भी जीते दिखाया, और इंडिया और इंडिया ने भी आज जीत के दिखाया। इंडिया जैसे चेसिंग में बहुत अच्छी है, आज डिफेंडिंग चैंपियन थी, उसको 129 के टोटल पे रोकना बहुत बड़ी बात है। दिस इज द वेरी, और आके उन्होंने जो स्पेल डाला, जिस तरीके से विकेट लिए, बोल्ड मार रहे थे, बॉल नीचे रह रही थी, तेज आ रही थी, तो बैट्समैन डर भी गए और साइकोलॉजिकली असर हुआ, और उसकी वजह से इंग्लैंड इतनी बुरी तरह हारी, अदरवाइज इतना बुरा नहीं हारा। काफी अच्छा किया, शुरू में ही दो विकेट जो लिए ना, उससे ऑलरेडी उनका मॉरल डाउन हो गया था। हम लोग का जो मैच हम लोग जीत रहे हैं, बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, बट बॉलर्स ही हैं जो कि मैच को सेटअप कर रहे हैं फॉर द बैट्समैन। हर बार वैसे ही हो रहा है कि बॉलर्स के कारण ही हम लोग मैच जीत रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज, जैसे आज का मैच भी था। बुमराह और शमी अलग ही मैच बना दिया, बुमराह, शमी, कुलदीप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। मिडिल ओवर्स में कुलदीप और जडेजा, आई थिंक दे आर द वंस जो कि पूरे के पूरे मैच को वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत में आपका बुमराह, शमी, इवन सिराज भी, मतलब आज का मैच छोड़ दें तो, बट सिराज बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बस आज के मैच में थोड़ा तो मैचेस में थोड़ा वो ठीक है, बट आई थिंक ओवरऑल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं।